टुडेज थॉट इज टुडे इज द डे टू लर्न समथिंग न्यू. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू. लेट अस स्टार्ट आवर ईवीएस बुक क्लास 3rd लेसन 5th. लेसन नेम छोटू हाउस. छोटू कम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. यहाँ आपको एक बच्चा छोटू उसकी स्टोरी बना उसके घर के बारे में बता रहे हैं. छोटू जो है वो पहली बार मुंबई आया है और उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है. अब वो अपने घर देख रहा है, घर उसे चाहिए, उसे घर नहीं मिला भी. तो जब तक उसे घर नहीं मिला तो उसे क्या हुआ, बरसात में सड़क पर ही अपना दिन बिताना पड़ा. फिर उसको एक जगह आगे चलकर एक पाइप दिखती है, बड़ी सारी पाइप दिखती है. ये है सीवर पाइप, जो अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड जमीन के नीचे लगाई जाती है गंदा पानी निकालने के लिए. उसे देखते ही उसे लगता है कि मैं इस घर में इसको घर के रूप में प्रयोग कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसके अंदर रह सकता हूँ. और फिर वह उसके अंदर रहने लगता है. एक साइड पर बाहर उसने किचन अपना खाना बनाने लग गया, एक साइड उसने कपड़े धोने लगे और अंदर वो रहने लग गया. फिर उसे कुछ दिनों बाद एक बच्चा दिखता है, जो उसके जैसा एक बच्चा आदमी बच्चा आता है. उसके पास भी घर नहीं है और वो क्या करता है, उसको अपने साथ ले आता है. अब वो आपसे पूछ रहा है, स्टडी द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द फ्लोइंग. कहता है इस पिक्चर को ध्यान से पढ़ो और उसका आंसर दो. व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप. कहता कि जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसने क्या सोचा, उसने क्या सोचा था, उसने सोचा था कि मैं इसको अपने घर के रूप में प्रयोग कर सकता हूँ, जो उसे धूप हवा बरसात पानी से बचाएंगे. तो वो कह सकते हो आप, ही थॉट दैट द पाइप वुड बी द सेफेस्ट प्लेस टू लिव. पाइप कुड सेव हिम फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग विंड रेन एंड कोल्ड. नेक्स्ट है, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप. छोटू ने पाइप का यूज़ कैसे किया. छोटू ने पाइप का यूज़ घर के रूप में किया था. तो आपको छोटू यूज द पाइप एज ए होम. इन टू विच पार्ट डिड छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया. छोटू ने उस पाइप को और उसके आसपास के एरिया को कितने भागों में बांटा था. तो हमने ऊपर पिक्चर में देखा था कि हमें तीन भाग नज़र आए थे. एक में वो रह रहा था, एक तरफ उसने किचन बनाई हुई थी अपना खाना पका रहा था, दूसरी तरफ वॉशिंग एरिया है. तो आप इसमें लिख सकते हो, छोटू डिवाइड द पाइप एंड इट्स सराउंडिंग एरिया इन टू 3 पार्ट्स, लिविंग एरिया, स्लीपिंग एरिया एंड वॉशिंग एरिया. इन विच पार्ट ऑफ दिस हाउस विल छोटू लाइक टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम. किस भाग में वो सबसे ज़्यादा अपना समय बिताएगा, तो वो किस में बिताएगा, लिविंग रूम में. वाई डिड यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम इन द पाइप. आप क्यों ऐसा क्यों सोचते हो कि छोटू ने मोनू को अपने साथ रहने के लिए क्यों बनाया. अब देखो, छोटू ने देखा कि उसके पास भी उसका नाम क्या, दूसरे बच्चे का नाम मोनू, मोनू को क्यों बुलाया, उसके पास भी घर नहीं था और उसको एक फ्रेंड की जरूरत थी, उसे मिल जाएगा. तो आप लिख सकते हो, छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विद हिम बिकॉज मोनू हैड नो प्लेस टू लिव एंड छोटू आल्सो नीड ए फ्रेंड. मोनू के पास कोई घर नहीं था रहने को और उसको एक क्या मिल जाएगा, फ्रेंड मिल जाएगा. आगे आपसे उसने कहा है, अपने घर की एक अपने पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसमें कलर करना है. नेक्स्ट आपसे वो पूछ रहा है, हु आर लिव विद यू इन योर हाउस. तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ कौन कौन रहते हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपने उनके बारे में लिखना है. जैसे आपके घर में कौन होगा, मम्मी है, पापा है, आप, आपका भाई, बहन, दादाजी, जो भी हैं आप उनका नेम वो आप यहाँ सब लिखोगे. मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है. आगे, छोटू डिवाइड द पाइप इन टू डिफरेंट पार्ट्स. राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर हाउस. छोटू ने अपने घर के अलग अलग पार्ट्स किए. आपके घर के कौन कौन से रूम हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं वो बता दो. तो आप बोल दो, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर रूम, स्टडी रूम एक्सेट्रा, बाथरूम. हाउ मच टाइम इन ए डे यू स्पेंड इन ईच पार्ट ऑफ योर हाउस. आप अपने घर के हर भाग में कितना कितना समय बिताते हो, आपने वो राइट डाउन करना है. इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ योर हाउस स्पेंड मोर टाइम. कहता है आपके पास, आपके घर में कोई ऐसा मेंबर है जो घर के किसी एक भाग में सबसे ज़्यादा समय बिताता है. तो वो है हमारे पास कौन, हमारी मदर जो है वो किचन में सबसे ज़्यादा समय बिताती है. इज देयर एनी पार्ट ऑफ योर हाउस वेयर ए पर्टिकुलर मेंबर नेवर गोस और गोस फॉर ए शॉर्ट टाइम. क्या ऐसा भी कोई जगह जहाँ पे कोई जाता ही नहीं है मेंबर आपका, या गोस सभी कम समय के लिए जाते हैं.
तो बेटा पापा है वो किचन में सबसे कम जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव सीन दैट सम एनिमल आल्सो लिव विद अस इन आवर हाउस। सम ऑफ दिस एनिमल लिव विद अस बिकॉज वी वांट देम टू, वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड। कहते हैं आपको पता है हमारे घरों में हमारे साथ कुछ एनिमल्स रहते हैं, कुछ एक तो हैं जिन्हें हम बुलाते हैं, अपने पास बुला के रखते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पेट एनिमल, जैसे डॉग है, काउ है, बफेलो है, गोट है, ये सब इन्हें हम बुलाते हैं, इन्हें अपने पास रखते हैं, तो ये हो गए पेट एनिमल। और जो अनइनवाइटेड है, जिन्हें हम नहीं बुलाते, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो हमारे साथ रहते हैं, उसमें कौन आ जाता है? लेसार्ट है, मॉस्किटो है, हाउस फ्लाई है, रैट है, ये सब हमारे साथ रहते हैं लेकिन हम इन्हें बुलाते नहीं हैं। नेक्स्ट वो आपको दिखा रहा है, ड्रा पिक्चर ऑफ एनी टू एनिमल्स दैट लिव इन आवर हाउस अनइनवाइटेड। आपने उन एनिमल्स की पिक्चर बनानी है जो अनइनवाइटेड, जिन्हें आप नहीं बुलाते, और उनका नेम राइट डाउन करना है। तो आपने पिक्चर ड्रा करो किसी भी टू की, जैसे आपने लिजार्ड की बना सकते हो, रैट की, हाउस फ्लाई की, मॉस्किटो की, और उनका नेम राइट डाउन करना है। नेक्स्ट है, हाउ डू यू कीप योर हाउस क्लीन। कहते आप अपने घर को कैसे साफ रखते हो? कैसे रखते हो? आप झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, ठीक है, और अपनी चीज़ों को सही जगह पर रखते हो। तो आप कह सकते हो, वी कीप अवर हाउस क्लीन बाय ग्रूमिंग, मोपिंग एंड कीपिंग थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस। अगर चीज़ें अपनी जगह पे पड़ी होगी तो हमारा घर क्या रहेगा? साफ रहेगा। नेक्स्ट है, हु ऑल हेल्प टू कीप योर हाउस क्लीन। आपका घर साफ रखने में कौन मदद करता है? तो हम सभी मदद करते हैं, किसी एक की ड्यूटी नहीं होती है घर साफ करने की, सभी की है। तो ऑल ऑफ अस जो है हेल्प टू कीप आवर हाउस क्लीन। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस। तुम अपने घर का कचरा कहाँ फेंकते हो? कहाँ फेंकते हैं हम अपना कचरा? डस्टबिन में। तो आप कह सकते हैं, वी थ्रो आवर गार्बेज इन द डस्टबिन। इज द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन। कहते क्या आपके घर के आसपास का एरिया क्लीन है? तो बिल्कुल यस। लुक हाउ ब्यूटिफुल लता's हाउस इज डेकोरेटेड। कहते हैं लता का हाउस देखो कितना सुंदर सजा हुआ है। इज देयर एनी स्पेशल वे इन विच यू डेकोरेट योर हाउस व्हेन एंड हाउ। कहते हैं क्या आपने अपना कभी घर सजाया है? कब और कैसे सजाया? तो देखो दीपावली पे हम अपना घर सजाते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ें लगा के। तो आप कह सकते हो, यस वी डेकोरेट अवर हाउस ऑन दिवाली, वी डेकोरेट अवर हाउस विद लाइट्स, कैंडल्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। अब वो आपको कह रहा है कि अपने फ्रेंड से पूछो कि क्या उन्होंने अपना घर डेकोरेट किया तो कैसे किया। नेक्स्ट है, नेम द थिंग्स विद विच यू डेकोरेट योर हाउस। कहते हैं अब उन चीज़ों के नाम बताओ जिससे आप अपना घर डेकोरेट करते हो। तो जो जो चीज़ आपने अपने घर में डेकोरेशन के लिए लगा रखी है आप वो राइट डाउन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया या कह दिया कि वी डेकोरेट अवर हाउस विद फ्लावर्स, पेंटिंग, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। ये चीज़ें हम लगाते हैं अपने घर में। तो मैंने ये कह दिया कि मैं अपने घर को फ्लावर पेंटिंग और फ्लावर पॉट से डेकोरेट करती हूँ। दैट्स ऑल, हमारा लेसन कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।